एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं उठ चुकी हूँ। आज संडे है। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक फ्रॉड का कॉल आया था तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली थी और ये मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ आपके साथ हो रही होगी, बहुत लोगों के साथ तो अभी भी हो रही होगी क्योंकि हमारे मतलब मेरे नॉन में ही कई लोगों के साथ सेम चीज़ हुई है और बहुत लोग इसके शिकार बन चुके हैं जो अपना पैसा गंवा चुके हैं। ठीक है, तो मैं समझ गई थी तो मैंने इसलिए कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली ताकि मैं आप लोगों के साथ उसको दिखा उसको सुना सकूँ ताकि आप लोग थोड़े से अलर्ट हो जाओ। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। ये है ब्रेड रोल, ये है कटलेट, ये है सिकी हुई मक्खन वाली ब्रेड और ये है धनिया पुदीने की चटनी, ये है टमाटो सॉस। जब कुछ नहीं होता ये सब ये नहीं होते तो मुझे खाली मक्खन और ब्रेड अच्छा लगता है, मतलब सेकी हुई या फिर घी में सेकी हुई हो, ऐसी कच्ची ब्रेड नहीं अच्छी लगती है ना। मम्मी आपने नहीं खाए क्या ये वाले? खाए ना। पर भी नाश्ता चल रहा है, देखो चाय कटलेट और ब्रेड रोल। सिद्धि कैसा लग रहा है? कौन सी पिक्चर लगा रखी है तुमने? अलादीन है क्या? नहीं, वेलकम टू कराची अच्छी है लेकिन कॉमेडी मूवी देखी हमने। चले चलो। तो गाइज यहाँ पे कामना आ चुकी है तो क्लास के बाद मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पे मेरा पार्सल आ चुका है, ये हैं इसमें आई थिंक डैडी के पजामे हैं, इसमें वार्मर और इसमें हैं मेरे शूज़ और मैं दिखाती हूँ ये मेरे प्यूमा के शूज़ हैं। तो ये हैं मेरे प्यूमा के शूज़, अब देखते हैं ये कैसे आए हैं। कलर तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है तो गाइज ये आप देख सकते हो और अभी पहन के देखती हूँ पहन के कैसे आएंगे। बाकी क्वालिटी वगैरह तो ठीक ठाक सी लग रही है, चलो देखते हैं। तो गाइज ये वाला मेकअप अभी काम ना करके गई है मेरा और वो मतलब एज अ टेस्ट मैंने उसका लिया है तो आप देख सकते हो आईज अच्छी करी है इसने। बाकी कोई नहीं, अभी लर्निंग पीरियड है तो अभी सीख जाएगी, थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा है बट कोई नहीं। मेकअप जब भी थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट लगता है ना जब हम करते हैं ना तो थोड़ा सा वाइट कास्ट सा लगता है बट कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेकअप जब भी आप करोगे ना थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद मेकअप आपकी स्किन के हिसाब से ना आपकी स्किन में रम जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि आपकी खुद की स्किन होती है ना वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब आप लगाओगे ना उस टाइम एकदम से आपको वाइट वाइट लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। तो अभी अभी जस्ट करके गई है वो तो इसलिए लग रहा है, तो अभी मैं फेस वॉश करने जाऊँगी। बाकी ठीक है, अभी लर्निंग पीरियड है तो उस हिसाब से वो ठीक कर रही है, बाकी आगे आगे और उसमें अच्छी फिनिशिंग आती जाएगी। चलो अब मैं आपको शूज़ डाल के दिखाती हूँ कि ये कैसे। शूज़ की क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है और कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बट इसमें मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही कि ना इसकी मतलब कुशनिंग इतनी नहीं लग रही मुझे। जब सिद्धि वाला शूज़ मंगाया था ना तो उसमें कुशनिंग ज़्यादा है, इसमें कुशनिंग नहीं है। हो सकता है ये प्यूमा का अलग वेरियंट हो, इसमें कई सारे वेरियंट आते हैं रनिंग का, जॉगिंग का और जिम का, तो कई सारे वेरिएंट हैं, पता नहीं ये वाला कौन सा वेरियंट है। ऊपर से कलर वगैरह और फिनिशिंग देखी जाए तो वो काफ़ी अच्छी लग रही है, स्मार्ट भी लग रहा है और कलर बड़ा प्यारा है इसका, है ना, डिफरेंट सा कलर है।
तो कलर वगैरह वगैरह सब कुछ अच्छा, बस मुझे ना थोड़ी सी कुशनिंग थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी सी कुशनिंग थोड़ी सी कम लग रही है, बाकी सब कुछ अच्छा है। लेट्स सी, मैं इसको रिटर्न करती हूँ, रिप्लेस करती हूँ, क्या करती हूँ, रिटर्न करूँगी, कोई और मंगवाऊँगी शायद, लेकिन कलर बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो देखते हैं क्या होता है। अरे उससे हो जाएगा, फोन पे के, फोन पे तेरे पे, तू फोन पे चलाती है, वो दूसरा फोन पे पे फोन पे हो जाएगा बस तुरंत, दो मिनट की गाँव मेहंदी लगा के बैठी है, लगाई है। 13 फरवरी को कौन सा दिन होता है? किस दिन? अच्छा तो मेहंदी लगाई है, फेशियल कराती है, समझ भी आता कब करके कौन मेहंदी लगाते हैं, मैं लगाती हूँ। सीधी मोटा वाला कॉम है तो मोटा वाला कॉम ला देना, ऐसे तो बाल टूटेंगे बहुत ज्यादा। दे दे कॉम ला दे, इस मेकअप की वजह से ना सर दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसे ज्यादा देर तक रहा रखा नहीं जाता है। मेहंदी लगा के बाल धोने जाऊंगी मैं कल, डैडी जी और मम्मी की डेट पे जाते हैं कहां सवार कर दे, ये अपने आप कल वैलेंटाइन से होना है हम देख रहे हैं। तो अब मैं नहा चुकी हूँ और आज मैं नहाने में इसलिए लेट हुई हूँ क्योंकि मैंने बालों में मेहंदी लगाई हुई थी और थोड़ा सा सुखा लिया था, 2 घंटे मेहंदी लगाई है मैंने क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, मैंने बालों की केयर ही नहीं हो पा रही थी सर्दी की वजह से ना, कुछ हेयर पैक वगैरह लगा ही नहीं पा रही थी, तो अब लगा लिया है। तो अब मैं बताती हूँ कि वो फ्रॉड का कॉल क्या था, चलो आपको इसका ऑडियो भी सुनवाऊंगी, पहले मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे पास कॉल आया, तो जैसे कि आपको पता है कि बाय प्रोफेशन मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो ऐसे ही उसने मेरे नंबर पे कॉल किया, पता नहीं रैंडमली उन्हें कहीं से नंबर मिल गया होगा, तो उन्हें मेरे नंबर पे कॉल किया और मुझे बोलता है कि ना मुझे ऐसे ऐसे एयरब्रश मेकअप कराना है, सबसे टॉप क्लास का मेकअप कराना है, और मतलब आप समझने की कोशिश करना, आपका मतलब जिस चीज़ से आप रिलेट करते हो ना, आपसे उन्हीं चीज़ों के बारे में वो इंसान बात करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जैसे मुझसे पूछा कि आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो मैडम आपसे मेकअप कराना है, एयरब्रश मेकअप कराना है, ये है वो है, और 3 जनों का कराना है, सबसे टॉप क्लास वाला। तो मैंने कहा टॉप क्लास वाला, जब तक तो मुझे नहीं पता था कि वो फ्रॉड का मतलब फ्रॉड है कोई कॉल जो आई है, तो मैंने सोचा ऐसे ही कस्टमर के तो इंक्वायरी के लिए आते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा ऐसे ही होगी। तो बोलते हैं टॉप क्लास का मेकअप कराना, मैंने कहा टॉप मेकअप तो आपका एयरब्रश करा लो, फिर एयरब्रश सबसे बढ़िया मेकअप रहता है। बोला ठीक है, अच्छा बस आप ये बता दो कि पेमेंट कितना करना है आपको, मेरी वाइफ आके बात कर जाएगी आपसे, कल आ जाएगी, तो आज आप पेमेंट बता दो कितना है। तो मैंने कहा कि पेमेंट आपका इतना इतना है, 40,000 रुपये आपके लगेंगे तीनों के। तो कहते कोई बात नहीं मैडम, मेरी 80,000 रुपये सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है पैसे की। तो मैंने कहा कि भैया मेरे को आपकी सैलरी से और उससे क्या मतलब, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हूँ और मैं यहाँ पे आर्मी में काम करता हूँ, हम फौज में काम करते हैं और हम आपको यहाँ से पेमेंट दे देंगे और उसके बाद बाकी पेमेंट आपको वहाँ पर मेरी वाइफ दे देगी, आधी पेमेंट हम यहीं से भेज देते हैं आपको मतलब। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद ना उसने ऐसी बात बोली मुझसे जो मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा, फिर मैनेजर साहब से बात कराऊंगा तो वो आपको पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, हमारा वॉलेट होता है ना तो वहाँ से आर्मी का वॉलेट होता है ना तो उसमें से पैसे ट्रांसफ़र मतलब उसी में से किए जाते हैं, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं, तो कहता आप बात कर लेना एक बार, तो मैंने कहा मैं क्यों बात करूँगी। तो मुझे वहीं पर थोड़ा सा डाउटफुल लगने लगा कि मुझे क्यों बात करा रहे हैं, पैसे ट्रांसफ़र कराने तो तू करा देना। तो मुझे वहीं पे थोड़ा सा मेरा शक का कीड़ा घूमने लग गया सर में। तो फिर उसके बाद लेकिन मैंने बात करी तो उसने 15 मिनट बाद कॉल किया, तो जो दूसरा बंदा था जिसको मैं मैनेजर साहब बोल रहा हूँ, सिस्टर मैं मैनेजर बोल रहा हूँ यहाँ का, और क्या बोलते हैं, तो आप ना आपको कितना पैसा भेजना है, फ़ोन पे करें या गूगल पे करें? तो मैं आपको बता दूँ फ़ोन पे या गूगल पे का ही नाम लेंगे लोग, फ़ोन पे करें या गूगल पे? मैंने कहा फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद बोला कि अच्छा ठीक है सिस्टर, आपको ना वो आपको पहले हम 1 रुपया भेजेंगे, उसके बाद हम एक साथ भेजेंगे, हमारे आर्मी में ना हमको ऐसे ही करना पड़ता है, पहले 1 रुपया भेजते हैं फिर। मैंने कहा भैया आर्मी में नहीं, सब जगह ऐसे ही होता है, 1 रुपया ही भेजा जाता है अगर बड़े अमाउंट भेजने से पहले। तो बोला अच्छा ठीक है, तो 1 रुपया आया सिस्टर, 1 रुपया आया, 1 रुपया आ गया था, ठीक है। अब जब दूसरा पेमेंट कहता है ना, दूसरा पेमेंट अभी जो मैं भेज रहा हूँ ना सिस्टर, वो आपको मैं 9999 का पेमेंट भेज रहा हूँ, तो आप ना बस ओके कर देना, आप बस आपके पास पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसने जैसे ही 9999 भेजा तो उसमें मेरे अकाउंट में मेरे को मैसेज आ गया था तुरंत, फ़ोन पे का मैसेज आ गया था मुझे कि दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट।
तो मैंने पढ़ लिया, अब वो SMS आ गया था मुझे, तो वो कहते सिस्टर वो जो आ रहा है ना पे करने के लिए आ रहा है ना, वो आप पे कर दो, पे पे बटन दबा दो आप। तो मैंने कहा पे पे बटन दबा दो, इसमें तो ये लिखा आ रहा है। और उसमें मेरे को फ़ोन पे से एक और मैसेज आ गया था कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस ये सब ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा था, और मुझे SMS भी आ गया था कि 9,999 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे अगर आप जैसे ही पे करेंगे आप। तो मैं समझ गई, मेरे को श्योर हो गया भैया ये तो फ्रॉड ही है, और जैसे ही मैं पे का बटन दबाऊंगी वैसे ही उसके अकाउंट में मेरे अकाउंट से निकल के ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ऑडियंस को थोड़ा बताऊंगी, अपने सब्सक्राइबर्स को, कि फ्रॉड लोगों को कॉल आता है, इसलिए मैंने उससे आगे बातें कंटिन्यू करी। तो आगे की बात जो मैंने उसके साथ कंटिन्यू करी, तो मैंने कैसे कंटिन्यू करी वो आप आगे सुनो और उसके बाद मिलते हैं। हेलो, हाँ भैया। हाँ सिस्टर जी, डला लिया इसमें 5,000 रुपए। नहीं अभी कहाँ डाला, डाल दिया है क्या? नहीं आपने डला दे क्या अपने में? नहीं मैं क्यों डलवाऊंगी अपने में भैया, वो मैंने आपसे बोला है ना इधर से डायरेक्टली नहीं डलेगा, आपका जीरो लिमिट है तो उसमें पेमेंट नहीं जा रहा सिस्टर, तो एक मिनट के लिए 5,100 रुपए मंगा लो। अभी अभी भैया का फोन आया था ना, भैया को अकाउंट में सेंड कर दीजिए आप। उसमें तो नहीं जा रहा है ना, उनसे तो मैंने बात कर लिया था, अभी तो बात हुआ था मेरा। हाँ तो मैंने बोला कि ना उनके अकाउंट, भैया आप ले लो अपने अकाउंट में, आप उनके अकाउंट में डाल दो कोई बात नहीं, एक ही बात है वो। तो लो एक बार मैं एक बार छोटा करा के देखता हूँ, लो एक बार आपके में ही करा रहा हूँ मैं, बात करो मैनेजर साहब से आप। हेलो, हाँ जी भैया। सिस्टर एक बार मैं नॉर्मली करता हूँ, अभी अपना गूगल पे आप ओपन कीजिए, ठीक है? हाँ आपको ये जो नंबर है ना इसी पे कर दीजिए आप, क्या बोलते हैं, अब मेरे को मेरे अकाउंट में थोड़ी डलाने की जरूरत है, मेरे को थोड़ी बैलेंस बढ़ाना। डलाओ ना फिर आप, मत डलाओ ना, उसी गूगल पे, गूगल पे ओपन कीजिए आप, ठीक है? हाँ हाँ जी जी ओपन कीजिए आप ना भैया, एक काम कीजिए भैया, अभी तो मैं ब्राइडल मेरा चल रहा है, तो आप मेरे भैया के अकाउंट पे ही कर दीजिए जो अभी। सिस्टर ये एक मिनट में हो रहा है, आप गूगल पे ओपन कर लीजिए ना प्लीज। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, भैया के अकाउंट पे कर दीजिए। आपके में ही कर रहे हैं सिस्टर, कर रहा हूँ आप ही के में, आप क्यों निश्चिंत रहो ना, आप घबरा रही है आप तो हमेशा। नहीं नहीं मैं नहीं घबरा रही हूँ, क्योंकि मेरे को क्या बोलते हैं, मेरे को भी भैया को ही देना है पैसे, तो इसीलिए आप उन्हीं के अकाउंट में कर दो। ओके, एक बार नॉर्मली करके देख लेते हैं हम, ठीक है? ठीक है ठीक है जी। तो आपका ये वाला नंबर है ना जिसमें लास्ट में 9830 है? जी जी जी। उसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में देखिए सिस्टर, 1299 का दिखा रहा होगा उधर, चेक कीजिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। भैया अपना मेरे भैया के उस पे ही कर दीजिए, वही देखते हैं, मुझे उन्हीं को पेमेंट देना है तो फिर आप उन्हीं को ही कर दीजिए। सिस्टर आप इसको कीजिए ना, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सिस्टर मैं यहीं पे बैठा हूँ, इसको कर दो, ये हो जाएगा, मैं इधर में ही बैठा है मैनेजर के पास में, नहीं हो पा रहा है यहाँ पे नेटवर्क नहीं, ये हो जाएगा ना, आप इसको करो फिर अपना बैलेंस चेक कर लेना। सलोन में ही हुआ था सेम टू सेम जैसे मेरे साथ हुआ था वैसे ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्या गलती हुई कि जो सलोन में एम्प्लॉयज जो होते हैं ना लड़के जो हेयर कटिंग वगैरह के जो होते हैं हेयर ड्रेसर, उसके पास वो कॉल आया, एक के पास कॉल आया, तो उसने क्या करा, उस बेचारे को शायद इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता था, तो इस वजह से उसने क्या करा पे का बटन दबा दिया, SMS वो उसके पास भी आया होगा लेकिन अब उसने वो मैसेज नहीं पढ़ पाया या उसको पढ़ना नहीं आता था शायद, तो उसने पे का बटन दबा दिया और उसके अकाउंट से 4,500 रुपये डेबिट हो गए तुरंत। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, कि मतलब एक होता है ना जो बंदा इतना ज़्यादा अलर्ट नहीं है इन चीज़ों में, तो वो जैसा जैसा वो बोलते हैं ना वैसा वैसा आप करते रहोगे, क्योंकि वो बात ही इस तरीके से करते हैं कि आप उनकी बातों में इजीली उनके ट्रैप में फंस जाओगे। तो इसलिए मैं आपको इसलिए ये सब सुना रही हूँ, इसलिए ये स्टोरी बता रही हूँ, क्योंकि ये अभी अभी हुआ है, कल का ही केस है ये, ठीक है? और यही सेम चीज़ मेरे भाई के साथ भी हुई थी, यही सेम चीज़ डैडी के पास भी, मेरे डैडी के पास भी फ़ोन आया था, और मेरी एक स्टूडेंट है उसके साथ भी ये चीज़ हो रखी है। तो ऐसे कई मेरे और नॉन में पर्सन्स हैं जिनके साथ ये सेम केस हुआ है, सेम मतलब जो काम है ना आपका उसी के रिगार्डिंग वो लोग आपसे बात करेंगे, आपका हमारी कंपनी कैशबैक दे रही है, आपको हमारी कंपनी ये दे रही है वो दी है, ऐसा कुछ वो कहानी बनाएंगे आपको आपके अकाउंट से पैसा क्रेडिट करने के लिए। और इस बात की अगर आप कंप्लेंट करने जाओगे ना तो पुलिस वाले भी क्या बोलेंगे, वो भी यही बोलेंगे कि भाई आपने खुद अपने अकाउंट अपने हाथ से पैसे अपने पे करें दूसरे अकाउंट में ना, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। तो मेरा मकसद यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं अवेयर करना चाहती थी कि आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर दूसरे बंदे के पास ऐसा कॉल आ रहा है, तो अगर आपके पास ऐसा कॉल आता है ना तो साइबर क्राइम एक वेबसाइट है, साइबर क्राइम वेबसाइट पे आप ये सारी जो भी कंप्लेंट्स है ना इनके नंबर्स वगैरह मैं आप जो भी ये चैट करते हैं या फ़ोन पे बात करते हो फ़ोन रिकॉर्ड करके आप वहाँ पे उनके साथ शेयर कर सकते हो, और जहाँ से भी ये लॉगिन करेंगे या जहाँ से भी ये बात कर रहे होंगे ना इनको ट्रैक करके वो लोग इनको अरेस्ट कर लेंगे। तो अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप साइबर क्राइम पे कंप्लेंट कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाहती थी। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।